ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। 25th ऑफ नवंबर टुडे, मतलब आज गोवा में हमारा छठा दिन है। आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जाने वाले हैं पारा रोड, द फोटोग्राफी पॉइंट। कल रात को इतनी तेज बारिश हुई ना, ये देखो आज थोड़े से बादल छाए हुए हैं। सही में ऐसी बारिश पड़ी, भूकंप आ रहा है यहाँ पर। हाँ, बस सुबह सुबह भी निकल रहे हैं, रास्ते में जो भी आएगा हम मांद्रे बीच से निकलेंगे। रास्ते में जो भी अच्छा एक बीच लगेगा वहाँ जाके थोड़ी सी मॉर्निंग वाली फोटोग्राफी कर लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे पारा रोड पे। आप लोगों का ना यहाँ के बाथरूम का भी एक बार नज़ारा दिलाना मैंने। तो ये पूरा का पूरा पूल एरिया है, बड़ा ही ज़बरदस्त, इतना मैसिव। आप लोग इसको बाथ टब बना के, पूल टाइप बना के नहा सकते हो। और ये है रूम सेटअप, ये तो आप लोगों को दिखाई चुके हैं, कुत्तों की लड़ाई हो चुकी है। ऑलराइट, लेट्स गो। सुबह सुबह हमारे साथ ये हो गया, हमारी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो जिनसे हमने लिया, अभी हमने उन अंकल को फोन किया है, तो वो अभी आ रहे हैं अपनी स्कूटी देखने। भागो। अपने को स्कूटी चेंज करके हम अभी ये लेके जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रिंगजिन के लिए एक बहुत ही नई चीज हो गई है। रिंगजिन ने एक ऐसा जानवर देखा जो उसने आज तक कभी नहीं देखा था। आओ आप लोग को दिखाते हैं। हमें वापस जाना पड़ेगा आप लोग को दिखाने के लिए वो रेयर एनिमल जो रिंगजिन को आज पहली बार दिखाई दिया। द इंडियन सुअर, वेरी बेसिक, और सुअर विद अ क्रो फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सबसे कॉमन सुअर है, ये मोटा गोटा और बबोटा है? बहुत जगह मिलते हैं। मोटा गोटा और बबोटा, ये मोटा है, गोटा है और वो बबोटा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। साउथ आते हैं तो किसी को पहली बार क्या बोलते हैं हाथी देखने को मिलता है, किसी को कुछ और देखने को मिलता है, राइनो देखने को मिलता है। आज रिंगजिन के साथ कुछ ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जी ये है हमारा टर्टल बीच, और यहाँ पे टर्टल नेस्टिंग होती है जनवरी फरवरी वाले टाइम पे, नॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर जब हम हैं अभी। यहाँ पे कुछ एरियाज़ बनाए गए हैं, जैसे कि मेरे पीछे ये वाला एरिया जो स्पेशल सिक्योर किया गया है, जो भी टर्टल्स आएँ वो यहाँ पे अपने अंडे दें ताकि कोई लोगों की एक्टिविटी वहाँ पे ना हो पाए और अंडे उनके एकदम सेफ रहें। यहाँ पे अभी सबका कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। हाँ देख के ऐसा लग रहा है, दिस बीच इज गोइंग टू बी इन द लाइमलाइट सून। वहाँ 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 यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ बन रहा है। And here we go everybody, this is Para Road। ये Para Road नहीं है, बेकारा रोड है। लोग ही लोग, लोग ही लोग, हर तरीके के। ओ यार ये देखो कैसे वीडियो बना रहा है, एक आगे स्कूटी पे एक पीछे।
नाइस, खूब सारे। यहाँ पे सीन क्या है ना, एक दो मूवीज की शूटिंग हुई है तो किसी ने अभी बताया, इसलिए इतनी फेमस हो गई है जगह। बाकी हमें बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रेच मिला है यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। वेस्टिंग की एक दो क्विक हम लोग रील बना देंगे और फिर ड्रोन उड़ा के आप लोग को दिखा देंगे कि पारा रोड क्यों नहीं बचा, वो बेकारा रोड क्यों चुका। लिंक्डइन के चेहरे से आप समझ ही सकते हो। हो आप छलांगे मार रहा है बंदा, सब लोग लग गए, मतलब कि फुल ऑन फोटोग्राफी चली हुई है सब लोग की। ये देखो एक और मजे की बात क्या है ना, यहाँ पे अगर आप कहीं भी पार्किंग लगाओ, मतलब कहीं भी आपने रोक दिया 2 सेकंड के लिए, तो पार्किंग वाले स्कूटी पे आ जाएंगे आप लोग को ढूंढते हुए और स्माइल करते हुए। 50 रुपये का पार्किंग तो देना ही पड़ेगा। ठीक है बाय। बढ़िया ड्रोन शॉट्स। चलो भीड़ भाड़ है लेकिन जगह डेफिनेटली खूबसूरत है, अगर खाली टाइम पे आओ तो मज़ा आ जाए। कुछ अच्छे ड्रोन शॉट आप लोगों ने देख लिया, बाकी क्या बता सकता हूँ। आते जाते लोकल गोन लोगों की गालियों के लिए तैयार हो जाओ अगर आप यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर रहे हो। कुछ मेक सेंस है एक्चुअली, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और हम लोग बीच में रोड को घेर के लेट रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कुछ मेक सेंस, टोटली वैलिड। हमारे साथ भी होता है मनाली में, कोई बीच में चल रहा होता है तो हम बोलते हैं साइड हो जाओ, फोटो की जगह नहीं है, गाड़ियों की जगह वगैरह वगैरह, तो सेम थिंग। बट यस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस डेफिनेटली, बोलते आउट से कम एयर फॉर वंस। 50 रुपये ज़रूर लेके आना, पार्किंग तो कटने वाला है। ऑल राइट एवरीबॉडी, डेली रिचुअल हैपनिंग नाउ। धूप हो चुकी है तो इसलिए हम जा रहे हैं होटल, दोपहर निकालेंगे होटल में और फिर शाम को निकलेंगे कुछ और देखने के लिए। गोइंग टू द होटल। ऑल राइट एवरीबॉडी, 1st of December 2023 टुडे, इस साल का लास्ट महीने का पहला दिन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू बैंगलोर। आज हमारी गोवा की जर्नी खत्म होती है। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। मैंने बहुत ही केयरफुली ना पूरे ट्रिप के लिए 2 ही होटल चूज किए थे, एक हफ्ता यहाँ एक हफ्ता दूसरी जगह। दोनों जगहों के बारे में आप लोग को और डिटेल अगर चाहिए तो मेरे ब्लॉग footloosedev.com पे मैं एक डिटेल आर्टिकल ये सब के बारे में लिखने वाला हूँ, वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। रिंग्स इन रेडी रन, एक दौड़ के लिए तैयार हैं। फिर रिंग्स इन, गोवा को मिस करने वाली है कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारा फिर से प्लान है, अभी हम बैंगलोर जा रहे हैं और बैंगलोर जाने के बाद हमारा फिर से प्लान है कि हम क्या बोलते हैं, पौंडीचेरी या फिर उस तरफ पे कहीं पे, पौंडीचेरी या फिर हम
ऊटी ऐसा कहीं पे जाएंगे। पौंडीचेरी गए तो फिर से हमें बीच मिलने वाले हैं, हम थोड़ा सा स्विमिंग कर ही लेंगे। ऊटी गए तो कोई बात नहीं, मज़ा तो फिर भी आएगा। Alright everybody, बस पकड़ लिया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ खाने के लिए। इसमें रिंगजिंग के लिए पिज़्ज़ा। एक छोटा सा पिज़्ज़ा और पैटी है। टाइनी पिज़्ज़ा। खाना भी? अभी मुझे समझ में टाइम चाहिए। Nice.